आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। माशरे की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। फिर एक बार ससुराल की जुल्म का शिकार हुई है खातून, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। काला पत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में फिर एक बार ससुराल और उसके शोहर की जानिब से फातिमा पर हुआ जुल्म। तफसीलात के मुताबिक 7 साल पहले शादी हुई और शादी हुए जब से अभी तक दुल यूसुफ पाशा जो इसका शोहर है और उसके घर वालों ने मुसलसिल इसको हिरासा करने लगे थे। हद तो तब हो गई कि आज यूसुफ पाशा और उसके घर वालों ने इसको जान से मार देने की कोशिश की। ये फौरन निकल कर काला पत्थर पुलिस स्टेशन में शिकायत की, लेकिन पुलिस बजाय शिकायत दर्ज करने के उसको रुकने के लिए कहा। वो वहाँ से उस्मानिया हॉस्पिटल पहुँची। क्राइम टुडे से बात करते हुए फातिमा ने बताया कि ये लोग पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया तो फिर कई जिंदगियों से ये खेलेंगे। देखना है पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। मोहम्मद जियाउद्दीन के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। जोर से बोलिए। मैं फातिमा बदरुल बुतुल हूँ। हाँ थोड़ा जी, क्या हुआ आपके साथ? जी मेरे हस्बैंड ने बहुत टॉर्चर कर दिया, 7 साल से ऐसी घर ससुराल वाले रहने नहीं देते, घर से निकाल देते, बात करे की हर बात पे काम करे तो नहीं करे बोलते, लड़ते गाले देते मारते, इवन प्रेगनेंसी भी रहती निकाल दिए मेरे मेरे माँ बाप भी नहीं थी मैं 2 साल, फिर जो एक फिर 20 दिन लगती की फिर मार के निकाल देते। क्या नाम है आपके शोहर का? अब्दुल यूसुफ पाशा। क्या काम करते हैं? अब गूगल कंपनी में जॉब कर रहे हैं जिसका कोई टाइम नहीं है, 6 बजे आते 5-10 मिनट बैठते, कुछ है क्या नहीं है पूछते चल जाते, दूसरे दिन आते, अगर कुछ चीज के लिए शिकायत करी कभी भी आते कभी भी जाते, मेरे वालिद और मेरे भाइयों के सामने यही करे, अगर दादा बोले तो मैं छोड़ देती नहीं रहता, वजह क्या है छोड़ने की, ना मैं लड़ती ना मारती, मेरा सोना बेच दिए, बाइक दिए तो बेच दिए, घर का सामान अब कुछ भी मुकाबला करे तो घर का सामान बेचो खाओ, लड़ना झगड़ना बात करी की मारना करना, माँ बाप भी मेरी नहीं सुन रहे, कितने बार समझेंगे, कितने के लोग आके समझा के गए, मेरे भाई की ससुराल के लोग आजम अंकल, मेरे वालिद वालदा, गैर लोग महल्ले के सब आके समझा के गए, बाद में भी वही चीज कर रहे मार रहे कर रहे, और घर में क्या क्या मुर्शदों को बुला के ऐसे ऐसे चीजा कराते, मेरी ऑटोमेटिकली मैं तेज हो जाती हूँ, तबियत खराब हो जाती, ये दोनों बच्चों को चिल्ले के थे ले लिया और ये बच्चे को भी ले लिया, लेके नौकरानी का दूध पिलाए, 8 महीने में बर्दाश्त करी, गई मैं रगा घर में काटली में, पुलिस कंप्लेंट नहीं करना बोले पापा घर की इज्जत जाती बोल के, अगर कंप्लेंट करी तो घर पे नहीं आना, उन्होंने बोले घर छोड़ के चले जा, अगर वहाँ घर को आई तो पापा लगान एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ससुराल वाले घर में ससुराल वाले खुला दे दो बोल रहे, इतना सता रहा हमें खुला दे दो, अगर खुला नहीं दी तो मार पीट हो रहे, लोगों को घर का अब 2 साल से मेहनत कर रही हूँ, घर का किराया भी मेरे वालिद के थ्रू मिल रहा पूरा, और एडवांस भी पापा के, अभी पापा 40,000 देना है, मेरे भाई से छुटके बिजनेस कर रहे जिसके भाई 2 लाख रुपए इंटरेस्ट कर रहे थे, लगा भाई बोला इंटरेस्ट के साथ 2 लाख रुपए 80,000 रुपए दे दिया हमें, उसके बाद में भी लगा क्या करे 1 लाख रुपए देना है, मेरा सोना भी रख लिए मेरे को बाहर बुला कर, सोना 6 साल पहले लिए, अब वो सोना छूटा तो 3 साल से मेरे को नहीं दिए, 7 साल हो रहा, अब जो नहीं छुट्टी, कितने बच्चे आप? मेरे को 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे कहाँ के रहने वाले आप? मैं तारबन पीएस काले पत्थर। और आपके ससुराल वाले? जी ससुराल वाले, ससुराल वाले भी साले हैं कॉलोनी के, अच्छा। गालियां देना मारना झगड़ना गुंडों को बुलाना धमकियां दे रहे, अब मैं क्या करूँ, मैं वाली थी घर में तो जा नहीं सकती, स्क्रैप का बिजनेस है उनका, उनको 4 बेटों को पाल रहे कर रहे, आप पीएस में कंप्लेंट करे? आप पीएस में कंप्लेंट करी? कौन से पीएस में? काले पत्थर के। क्या बोले पुलिस वाले? समझा के भेजा दिए तो पागल है वो, एकदम मेंटल है, सबके सामने अच्छे रहने की एक्टिंग करते हैं उनके अम्मा बाबा, घर का माहौल बहुत खराब है। छोटी बहन अभी क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाह रही हूँ कि इन लोगों को सजा होना, इन लोगों की चीज की सजा होना, और आइंदा कोई भी कौन सी भी हो मुस्लिम औरत किसी को कोई तलाक देते या खुला देते, बल्कि मेरे सर का नहीं माना, मेरे सर का बच्चों को कोई नहीं छीनना, बात करें कि माँ बाप पेरेंट्स नहीं आ सकते, भाया नहीं आ सकते, शादी करके दे दिया खत्म होगी बात, मैं वही रहना चाह रही, मेरे हस्बैंड के साथ से बोल रहे बेशरम में आते रहते निकालते रहते। कौन बोल रहे? मेरे हस्बैंड बेशरम है, बेहया, मेरे ख्याल से वो दूसरी शादी कर लिया या तो करने वाले, शादी से थोड़े दिन के बाद ही शादी करती हूँ शादी करती हूँ बोले रहे, बाइक भेजिए सोना भेजिए 15-16 सोना दिए पापा मेरे, और जैसे कि 8-10 लाख की शादी करे फिर कहाँ से देंगे, पापा का स्क्रैप का बिजनेस है मेरे, बहुत मुश्किल से गुजारा गुजरता, वहाँ भी घर छोटा है किराए का, भिजा देते 2-2 साल 3-3 साल घर में रहने ही नहीं दे रहे, अब ये जो डिवोर्स का निकला मोदी सरकार निकालने के बाद तो अब जान से मार देती तेरे को, कुछ भी नहीं कर सकते, यही बोल रहा आदमी, अब मेरा क्या होगा अगर ये आदमी छोड़ा भी तो, अगर नहीं भी छोड़ा तो मैं तकलीफ में हूँ बहुत, खुला कैसा दूँ मैं बोले, कहाँ जाऊँगी मैं बच्चों को लेके, और ज्यादा बोले कि बच्चे दे दो चले जाओ, और हमारे भाई के ससुराल वालों से भी बोल भी जाएगी 2-2.5 साल बच्चे दो,
नहीं तो हम छोड़ देते हमारे साथ ससुरे जो बोले साफ सुथरे उनकी सुनते घर में एक से एक मुल्ला आता पढ़ाते करते नहीं भाई क्राइम रखना भाई हर चीज का अगर कोई कुछ करा रहा कर रहा तो खिलाफ सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज मुझे दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़।